हेलो एंड वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन। सो लास्ट टाइम वी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्शन एंड वी लुक दैट दैट प्रोजेक्टिंग ए वेक्टर ऑन टू अ लाइन एंड देन वी टॉक्ड इन मोर जनरल वे दैट इज प्रोजेक्टिंग अ वेक्टर ऑन टू सब स्पेसेस, राइट। सो वी टॉक्ड ऑल दिस थिंग। तो और जो इसका पीडीएफ है दैट यू विल गेट, सारे को मैं एक साथ कंबाइंड करके आई विल पुट इट इन द ड्राइव। सो आज की वीडियो में हम लोग वी विल लुक मोर प्रॉब्लम्स सो ऑन द प्रोजेक्शन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये एग्जांपल किया था, राइट, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट दिस एक्स हैट पी प्रोजेक्टेड वेक्टर दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। अब कुछ पॉइंट मुझे आपको बताने दो इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के बारे में। सो देखो, आप जो भी आपने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स फाइंड किया है, दैट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक। सो इफ यू लुक एट दिस अक्रॉस द डायगोनल, ऑल दीज एलिमेंट्स आर सेम। सो दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन। सो दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ऑल्सो वन मोर थिंग, सो दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जैसे कि अगर आप के पास ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पी है, राइट, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद अगेन, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग अ प्रोजेक्शन टू प्रोजेक्शन, सो यू विल गेट दिस अगेन पी। सो वी कैन वेरीफाई इजीली, राइट। सो वी हैव गिवन दिस मैट्रिक्स, लेट्स ब्रिंग दिस मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और दिया था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने लाइन प्रोजेक्शन पढ़ा था, तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स फाइंड किया था, राइट। सो यहाँ पे भी आप देखो, ये जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है पी, राइट, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक, राइट। सो लेट्स वेरीफाई दिस वन, दैट इज अगर आप पी टाइम्स पी करो, दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। सो पी क्या है आपका, यहाँ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। सो we have taken our projection matrix P right, so what we want to find is P square, so kya karenge hum log, 1/6, so that will be 1/36 times 2 5 minus 1, 2 2 2 minus 1 2 5, and here we will have 5 2 minus 1, 2 2 2 2 5. So we can carry out this multiplication, right. So let me do that. So once you do the multiplication, you are going to get this matrix, right. So do p tha mere paas, ek pehla p 1/6 this, and fir again 1/6, so 1/36 yahan le liya, fir maine in dono ko multiply kiya, multiplication would be easy. सो अगेन यू दिस विल बी, सो ओवरऑल देखो फिर से आपको ये पी ही मिल रहा है। कैसे, आप करके देखो, कॉमन ले करके देखो, सो यू विल गेट हियर दैट इज 1/6, राइट, और ये 6 बार में कैंसिल होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, राइट। सो देखो आपको फिर से आपको क्या मिल रहा है, यही मैट्रिक्स पी मिल रहा है, राइट। सो सेम क्वेश्चन आपको इस बार गेट में भी पूछा गया था 2024 में। सो इंस्टीड ऑफ दे हैव गिवन स्टेटमेंट में क्वेश्चन था और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही था, आपको दिया हुआ था कि पी क्यू इज इक्वल टू पी। सो अगेन दैट पी क्यू विल बी इक्वल टू पी। कैसे, देखो पी को लिख सकते हैं ना पी टाइम्स पी एंड दिस पी स्क्वायर विल बी पी, राइट, अगेन पी टाइम्स पी will be p square and this p square will be p, right. So that question was in the, so उसको मैं अलग से जो सीरीज है मेरा हम लोगों का, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सो वहाँ पर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऑलरेडी मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन के जो भी मैट्रिसेस के आ रहे हैं लिनियर अलजेब्रा का, उसको मैं वहाँ सॉल्व, मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ क्वेश्चन को किया है, तो ये प्रोजेक्शन वाला भी वहाँ पर सॉल्व होगा,
right? So that is the one. So you see that projection matrices are the symmetric matrix, और जब इनको आप projections को projection पे ही apply कर रहे हो, then you are getting back that projection matrix, right? Okay, so let's look more problem and we will be learning more things about the projection. Okay, let's look at this second question. So this one is also easy one. करना क्या है, सिंपली आपको एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P1 फाइंड करना है दैट विल बी प्रोजेक्टिंग सम वेक्टर ऑन टू दिस वेक्टर ए और वट एवर द लाइन डिफाइंड बाय दिस वेक्टर ए दैट विल बी P1 एंड यू हैव टू फाइंड दिस अनदर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P2 एंड ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या कर रहा है इज प्रोजेक्टिंग सम वेक्टर ऑन टू दिस लाइन दैट इज डिफाइंड बाय दिस वेक्टर A2, राइट? And ultimately we have to see this, what is this P1, P2. Before proceeding, आप ये A1 और A2 के बीच में मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ. देखो A1, A2 के बीच में रिलेशन क्या है कि आप A1 ट्रांसपोज A लोगे और या आप डॉट प्रोडक्ट लोगे यू विल गेट दिस जीरो. मतलब कि ये दोनों वैक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर है, माइनस टू प्लस फोर माइनस टू, राइट? सो यू आर गेटिंग जीरो. सो दीज आर परपेंडिकुलर वैक्टर एंड वट वी आर फाइंडिंग. देखो तो ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है. सो नहीं, इस तरह से नहीं, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है. सो दिस लाइन इज डिफाइंड बाय दिस वेक्टर ए वन, दिस लाइन इज डिफाइंड बाय वेक्टर दिस ए टू. नाउ वी वांट टू फाइंड अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स दैट विल मे बी प्रोजेक्ट दिस वेक्टर बी टू दिस ए वन और प्रोजेक्ट दिस वेक्टर बी टू दिस ए टू, राइट? सो उसके बाद से जब मुझे ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स मालूम चल जाएगा देन आई वांट टू सी दैट व्हाट विल बी देयर डॉट व्हाट विल बी देयर मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो दिस इज इजी टू फाइंड. पी वन हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं. सो वी नो व्हेन हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं किसी वेक्टर को ऑन टू द लाइन दिस इज व्हाट वी गेट, राइट? ए ट्रांसपोज ए. सो दिस विल बी आवर रैंक वन मैट्रिक्स. सो और ये क्या होगा, ये आपका कोई नंबर होगा, राइट? सो ए ए ट्रांसपोज विल बी ए क्या है आपका, दैट इज माइनस वन टू टू एंड ए ट्रांसपोज इज वन माइनस वन टू टू, राइट? सो यू विल गेट अ मैट्रिक्स. उल्टा लिख दिया, राइट? सो ए इज कॉलम वेक्टर, राइट? वन टू टू एंड ए ट्रांसपोज विल बी रो वेक्टर, दैट इज माइनस वन टू टू. तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, वन माइनस टू माइनस टू एंड दिस विल बी टू फोर फोर टू माइनस टू फोर फोर, राइट? सो दिस इज द ए ए ट्रांसपोज. व्हाट विल बी द ए ट्रांसपोज ए, दैट विल गेट यू सम नंबर. सो ए वन के लिए पहले हम लोग निकाल लेना, तो लेट्स मेक इट ए वन. सो ए वन कितना है आपका, माइनस वन टू टू ए वन ट्रांसपोज माइनस वन टू टू, फिर उसके बाद से आपका क्या है, वन माइनस वन टू टू. सो इट विल बी वन प्लस फोर प्लस फोर, दैट इज नाइन. सो यहाँ से मुझे पी वन मिल गया, दैट इज द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, दैट विल बी वन डिवाइडेड बाई नाइन और दिस होल मैट्रिक्स, दैट इज वन माइनस टू माइनस टू माइनस टू फोर एंड फोर माइनस टू फोर एंड फोर. सिमिलरली वी कैन फाइंड दिस पी टू, राइट? सो अगर मुझे पी टू को फाइंड करना है तो ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या करेगा, किसी भी वैक्टर को इस लाइन पर प्रोजेक्ट करेगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दिस ए टू इंटू ए टू ट्रांसपोज, राइट? सो दैट विल गिव यू अ मैट्रिक्स. सो ए टू इज टू टू माइनस वन एंड ए टू ट्रांसपोज विल बी टू टू माइनस वन. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फोर फोर माइनस टू एंड फोर फोर माइनस टू माइनस टू माइनस टू एंड वन, राइट? और ए टू ट्रांसपोज ए टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ सम नंबर, राइट? सो दैट विल बी फोर प्लस वन, सो दैट विल बी नाइन.
सो यहाँ से आपको पी टू क्या मिल जाएगा, 1/9 एंड दिस कम्प्लीट मैट्रिक्स दैट इज 4, 4, -2, 4, 4, -2 एंड -2, -2 एंड 1। अब देखो कि ये जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है ना, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या पता है ना कि ये जो नो जो वेक्टर्स थे दैट a1 a2, दीज आर द ऑर्थोगोनल। सो व्हाट विल बी दिस p1 times p2, सो p1 times p2 विल आल्सो बी 0। सो यू कैन डू दैट, सो 1/81 यहाँ हो जाएगा, राइट right? सो क्योंकि दोनों में 1/9, 1/9 है, कहाँ गया ये 1/9, 1/9 राइट right? और p1 को आप लिखो, सो दैट विल बी 1 -2, -2, -2, 4, 4, -2, 4, 4, and 4, 4, -2, 4, 4, -2, -2, -2, 1 राइट। सो यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 -8 + 4 बेट 4, सो दैट विल बी 0 राइट। 4 + 4 is 8 -8, सो यू अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस 0, दैट्स द पॉइंट राइट। सो यू कैन डू अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 4 - 8, 4 - 8 + 4, सो यू विल गेट 0, मल्टीप्लाई दिस, सो -2 + 4 - 2, सो यू विल गेट 0, मल्टीप्लाई दिस, सो -8 + 16 - 8, सो यू विल गेट 0, सो यू कैन डू दैट। ये हो गया। अच्छा व्हाट विल बी द p1 + p2 का होल स्क्वायर, सो वी कैन राइट दिस p1 + p2 का होल स्क्वायर लाइक दिस, p1² + p2² + 2 p1 p2 राइट। एंड वी नो कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का अगर हम लोग प्रोजेक्शन मैट्रिक्स और प्रोजेक्शन पे ही एक्ट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट बैक दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, सो दैट विल बी p1 एंड अगेन दिस p2² विल बी p2 एंड दिस p1 times p2 इज 0, सो वी विल हैव 0 मैट्रिक्स हियर। सो अल्टीमेटली दिस p1 + p2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 + p2 राइट। सो लेट्स कंटिन्यू दिस प्रॉब्लम नंबर 2 एंड इन प्रॉब्लम नंबर 3, सो बेसिकली ये बी मुझे दिया हुआ राइट, जो बी जिसको मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो इस बी को मुझे a1 पे प्रोजेक्ट करना है, सो a1 आपका ये दिस वन, एंड इस सेम बी को मुझे a2 पे प्रोजेक्ट करना है और a3 पे प्रोजेक्ट करना है, तो व्हाट विल बी दोज प्रोजेक्शन वेक्टर राइट। सबसे पहले तो मुझे वो प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करने दो आप। सो सबसे पहले तो a3 का जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है वो फाइंड कर लेते हैं, सो व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स फॉर दिस a3 राइट। सो इसके लिए जो नाम दे देते हैं हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स p3, सो दैट विल बी a3 ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई a3 ट्रांसपोज a राइट। सो सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा a3 ट्रांसपोज राइट। सो a3 इज 2 - 1 2, और ये जो a1 a2 a3 है ना, आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे a1 a2 जो था वो ऑर्थोगोनल था राइट। सो दिस a1 एंड a2 इज ऑर्थोगोनल। नाउ वी हैव दिस 3 वेक्टर्स, ऑल दीज आर ऑर्थोगोनल, मतलब इन सब के बीच जो है एंगल, ये अगर a1 है, ये a2 है, एंगल 90 डिग्री, एंड दिस इज a3, सो एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन देम, सो ऑल दीज वैक्टर्स a1 a2 a3 आर ऑर्थोगोनल राइट। सो नाउ लेट मी फर्स्ट फाइंड दिस मैट्रिक्स, सो ए ट्रांसपोज विल बी 2 - 1 2, सो हियर वी विल हैव 4 - 2, 4 - 2, 1 and -2 राइट। यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 और 4, और ये कितना हो जाएगा आपका a3 ट्रांसपोज a3, सो दैट विल बी 4 + 1 + 4, सो दैट विल बी 9। सो ओवरऑल आपका ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो कि किसी भी वेक्टर b को प्रोजेक्ट करेगा ऑन टू दिस a3, ऑन टू दिस लाइन a3 दैट इज डिफाइंड बाय दिस फैक्टर a3,
यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 1/9, सो वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होगा ये वाला, राइट। सो -2, 1 -2, 4 -2, 4, राइट। नाउ अब ये जो स्मॉल पी है, सो दीज आर द प्रोजेक्शंस, इसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो इफ़ वी हैव दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स देन वी कैन फाइंड दिस पी प्रोजेक्टेड वेक्टर्स, राइट। तो बेसिकली मैंने मैंने क्या किया, मेरे पास ये बी है, राइट। सो बी इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। सो बी मेरे पास ये है। अब मेरे पास क्या था, ए वन है, तो लेट्स अज्यूम कि ए वन को इधर है, ठीक। तो वट आई एम डूइंग दैट आई एम प्रोजेक्टिंग दिस बी ऑन टू दिस ए वन, राइट। सिमिलरली इस बी को मैं ए टू पे भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सो मे बी दिस प्रोजेक्शन विल लुक लाइक दिस, राइट। सिमिलरली इस बी को मैं ए थ्री पे भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सो वट विल बी दोज प्रोजेक्टेड वैक्टर ऑन ए वन, ए टू एंड ए थ्री, सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो दिस वन इज स्मॉल पी प्रोजेक्टेड वैक्टर दैट इज ऑन द ए वन, राइट। सो आपके पास मैट्रिक्स बी है, सॉरी वैक्टर बी है, एंड विच सो पी वन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस वैक्टर बी एंड इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग दिस वैक्टर बी टू दिस पी वन, राइट। सो ओवरऑल आपके पास पी वन जो है वो कितना है, सो 1 -2 -2 and 1 -2 -2 -2 -2 -2 4 4 4 4, सो दिस इज़ योर वैक्टर पी वन, मैट्रिक्स पी वन, राइट। और इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 0 0, सो दिस इज़ योर बी। सो आपके पास क्या मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है ये दो रो को हम लोग ले नहीं रहे हैं, वट वी आर टेकिंग इज दिस ओनली दिस रो, सो वी विल गेट द फर्स्ट रो ऑफ दिस, राइट। सो दैट विल बी द वेक्टर पी वन। इसी तरह से हम पी टू को भी फाइंड कर सकते हैं, सो पी टू विल बी अगेन दिस प्रोजेक्टेड मैट्रिक्स पी टाइम्स बी। सो इस केस में क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट रो ऑफ पी टू, सो फर्स्ट रो ऑफ पी टू कितना है आपका, फर्स्ट रो ऑफ पी टू इज हियर, सॉरी फर्स्ट कॉलम ऑफ पी टू, 4 4 -2, सो 4 4 -2। सिमिलरली आप पी थ्री भी फाइंड कर सकते हो, जो प्रोजेक्टेड वैक्टर दैट इज प्रोजेक्टिंग ऑन टू वैक्टर ए थ्री, दैट विल बी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पी टाइम्स बी, सो यू विल गेट द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस पी थ्री, सो दैट इज 4 -2 4, राइट। ओके, सो नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट दिस सम ऑफ दीज प्रोजेक्टेड मैट्रिक्स, सो दैट पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, सो वी इफ वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ दिस प्रोजेक्टेड वैक्टर्स देन पी वन इज 1 -2 -2 प्लस पी टू इज 4 4 -2 प्लस पी थ्री इज 4 -2 4, सो वी विल हैव 9, राइट। एंड मैंने मिस क्या किया है यहाँ पे, 1/9 हर एक जगह मिस कर दिया मैंने, ठीक है। तो 1/9 भी होगा, पी वन में हर जगह 9, पी वन पी टू पी थ्री सब में 1/9 है, राइट। सो यहाँ पे भी आपका 1/9 रहेगा, यहाँ पे भी 1/9, ओवरऑल यहाँ पे भी आपका 1/9 रहेगा, दैट विल बी कॉमन। तो यहाँ ओवरऑल कितना हो जाएगा, 9 + 0 + 0। ओके, सो इफ यू सी व्हाट यू आर गेटिंग इज 1 0 0, एंड सब जो आपने पी वन प्लस पी टू पी थ्री क्या, ये पी वन पी टू पी थ्री क्या है, ये सारे प्रोजेक्शन फैक्टर है, राइट। एंड इफ यू आर एडिंग, और इन अदर वर्ड्स इफ यू आर टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोजेक्टेड फैक्टर, व्हाट यू आर गेटिंग इज बी, राइट। सो बी जो था आपका ये था, राइट। इसी वेक्टर को आपने ना डिकम्पोज किया, राइट, इनटू इन इसको ही आपने प्रोजेक्ट किया था ए वन ए टू ए थ्री पे, राइट। अब उस प्रोजेक्टेड वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस बी, राइट। सो दीज प्रोजेक्शंस और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस बी, राइट। और ए वन ए टू ए थ्री क्या था, सो जब आप देखो ए वन ए टू ए थ्री को देखोगे, सो ए वन ए टू ए थ्री दीज आर द
ऑर्थोगोनल टू इच अदर, ऑल दिस ए वन ए टू ए थ्री वैक्टर्स आर द ऑर्थोगोनल टू इच अदर। आपने क्या किया, सिंपली आपने कोई भी वैक्टर बी था उसको आपने ए वन पे ये पी वन प्रोजेक्ट किया, ये पी टू प्रोजेक्ट किया स्मॉल पी टू, और फिर सॉरी ये पी थ्री है ए थ्री पे पी थ्री प्रोजेक्ट होगा और आपने इस पे पी टू को प्रोजेक्ट किया। अब क्या बोल रहा है कि जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, आप ये सिंपली ऐड कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग बैक दिस बी, राइट। सो ओवरऑल पॉइंट क्या है ना कि ये आपका ओरिजिनल जो भी ए वन ए टू ए थ्री था जिस पे आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो दे आर द ऑर्थोगोनल टू इच अदर, राइट। तो जो आपने वैक्टर जो प्रोजेक्ट किया है दे आर गोइंग टू बी ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू इच अदर, राइट, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन विल गिव यू एनी पॉइंट इन दिस थ्री डायमेंशनल स्पेस, राइट। सो दैट इज़ द वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग देखो आप, सेकेंड एक और ऑब्जर्वेशन कि जब आप अगर ये जो मैट्रिसेस है ये क्या है आपका, ये टोटल, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैंने जब सब सॉल्व करा था तब मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये आपका पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, ये क्या है सारे, ये सारे आपके प्रोजेक्शंस वेक्टर्स, प्रोजेक्शंस मैट्रिसेस है, ठीक है, जो कि उस बी को कन्वर्ट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑन टू ए वन ए टू ए थ्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इनके इन मैट्रिसेस का सम करोगे आप, सो ऑल दीज आर, दिस वन इज पी वन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, दिस इज पी टू प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एंड दिस इज पी थ्री प्रोजेक्टेड मैट्रिक्स प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, राइट। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है ना कि दे कंटेन्स द बेसिस फॉर द वट एवर इन द डायमेंशन यू आर, राइट। सो आई थिंक दैट इज वॉट वी कैन इंटरप्रेट, और अगर आपके पास कोई और भी इसका इंटरप्रिटेशन है कि जो इनका सम है दैट वी आर गेटिंग इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। ओवरऑल पॉइंट क्या है कि ए वन ए टू ए थ्री आपका ऑलरेडी ऑर्थोगोनल था, मैंने प्रोजेक्ट जो किया तो जो प्रोजेक्टेड वेक्टर्स होंगे दे आर ऑल्सो भी ऑर्थोगोनल, और जो प्रोजेक्शन मैट्रिसेस होगा उनको जब मैंने कंबाइंड किया सो दे आर गिविंग मी यू कैन से सेट ऑफ बेसिस फॉर दैट पर्टिकुलर डायमेंशन, राइट। सो मे बी इफ यू हैव, अगर आपकी आपका थिंकिंग प्रोसेस कुछ और भी है, बोलता है इसका इंटरप्रिटेशन के लिए, तो मे बी यू कैन कॉमेंट इट, राइट। सो लेट मी मूव टू अनदर प्रॉब्लम। सो दैट इज वॉट इन प्रॉब्लम नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर थ्री, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में भी आपको सेम करना है, सेम चीज़ जो मैंने टू और थ्री में किया। सो यू हैव गिवन दीज टू वैक्टर्स, राइट। सो इन ये वैक्टर का स्पैन क्या होगा, दैट विल बी अ लाइन। इस वैक्टर का स्पैन क्या होगा, दैट विल बी अ लाइन, इंडिविजुअली अगर हम देखें तो, राइट। अब क्या करना है, ये वैक्टर बी गिवन है आपको, प्रोजेक्ट करना है दिस ए वन पे, सो दैट प्रोजेक्टेड वैक्टर वी आर कॉलिंग इट एज अ पी वन, और पी टू ए टू पे बी को प्रोजेक्ट करना है एंड वी आर कॉलिंग दैट प्रोजेक्टेड वैक्टर एज पी टू, राइट। और यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ए वन ए टू जो है वो आपका ऑर्थोगोनल वैक्टर्स नहीं है, राइट। तो यू कैन वेरीफाई कि अगर ये ऑर्थोगोनल वैक्टर नहीं है तो क्या जो इनका सम है, जैसे कि लास्ट टाइम क्या था कि ये जो तीन वैक्टर थे मेरे पास ए वन ए टू ए थ्री दो आर द ऑर्थोगोनल वैक्टर, तो उनका सम जो है मुझे ये बी दे रहा था, तो इन दैट केस दीज आर नॉट द ऑर्थोगोनल वैक्टर। तो क्या इनका सम जो है जो प्रोजेक्टेड वैक्टर होगा विल गिव यू दिस बी, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द प्रोजेक्शन डू नॉट एड टू बी बिकॉज एज आर नॉट ऑर्थोगोनल, यू कैन वेरीफाई दिस वन, राइट। सो यू कैन कंसिडर दिस एज योर होमवर्क प्रॉब्लम, तो इससे आपको क्या होगा कि डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स यू नीड टू सॉल्व टू बी ऑनेस्ट, राइट। अगर आपको पूरी तरह से थ्योरी समझ में आ रहा है देन यू नीड टू सॉल्व दीज एक्सरसाइज प्रॉब्लम। सो ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम इस तरह से सेट किए हुए हैं ना, दैट इज गोइंग टू बी अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा, राइट। और पूरा सब्जेक्ट का जो क्लैरिटी रहना चाहिए ना, वो एक एक क्वेश्चन कनेक्टिविटी है, जैसा पूरा बुक में क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, राइट। सो ओके, नाउ लेट मी टॉक समथिंग मोर ऑन दिस क्वेश्चन नंबर थ्री। सो देखो, जब आप इससे मैट्रिक्स ए का फॉर्मेशन करोगे यूजिंग ए वन ए टू ए थ्री वैक्टर, सो मैट्रिक्स ए, राइट। सो यू विल हैव दिस ए वन वैक्टर ए टू एंड ए थ्री, राइट, एंड ऑल दीज थ्री आर ऑर्थोगोनल, राइट। सो ऑब्वियसली
ये तीनों वेक्टर इंडिपेंडेंट है, राइट. सो ए विल बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, राइट. सो अब देखो, अगर आपके पास कोई भी ए जो है आपको मालूम चल गया कि वो क्या है, ए इज स्क्वायर एंड इन्वर्टिबल. सो ए मैट्रिक्स जो है वो आपका क्या है, ये A1, A2 एंड A3, राइट. सो और जो आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, A टाइम्स A ट्रांसपोज A इनवर्स का होल इनवर्स इनटू A ट्रांसपोज, राइट. दिस इज योर द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, राइट. सो जनरली ये जो होगा ना, ये कंप्लीट A ट्रांसपोज A दैट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. और अगर A के सारे जो कॉलम्स है वो इंडिपेंडेंट है, देन दिस विल बी, दिस होल थिंग A ट्रांसपोज A विल बी इन्वर्टिबल, राइट. वो मैटर नहीं करता है कि A आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर सिस्टम है, राइट. सो बट A ट्रांसपोज A होल दैट विल बी ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट. और इन्वर्टिबल होगा अगर A के सारे जो कॉलम्स है वो अगर इंडिपेंडेंट है, देन दिस होल थिंग विल बी इन्वर्टिबल, राइट. बट इन दिस केस A इज इन्वर्टिबल, राइट. सो मे बी वी कैन ब्रेक दिस, बट वी कैन नॉट ब्रेक दिस ऑलवेज, वी कैन नॉट टेक द इनवर्स टू दिस थिंग, राइट. सो इन दिस केस वी कैन टेक द इनवर्स, राइट. सो दैट विल बी A इनवर्स A ट्रांसपोज का इनवर्स, राइट, एंड दैट विल बी A ट्रांसपोज. सो ये देखो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल बी आइडेंटिटी, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है ना, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, कि ये जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मिल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात तो देखो कि A जो है वो आपका इन्वर्टिबल है, राइट. एंड तो और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो B है आपका, दैट वी आर प्रोजेक्टिंग दिस वेक्टर P ऑन टू A1, A2, A3, राइट. सो ओवरऑल पॉइंट क्या है ना, कि यहाँ पे B जो है ना वो दैट इज़ ऑलरेडी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस A, राइट. बिकॉज A स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इट इज, तो ओवरऑल पॉइंट A इज कवरिंग द कंप्लीट थ्री डायमेंशनल स्पेस इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट. क्योंकि A इन्वर्टिबल है एंड इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट. सो ऑब्वियसली इट विल कवर द कंप्लीट इंटायर स्पेस, राइट. इस केस में इंटायर स्पेस क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल स्पेस. सो ऑब्वियसली B जो होगा, B विल बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, राइट. सो जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, सो वी स्टार्टेड विद दैट AX इज इक्वल्स टू B एंड B वॉज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस A. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा, कि हम लोगों ने बोला कि ओके, B अगर कॉलम स्पेस में नहीं है बट वी कैन डू द बेस्ट. सो वट वी डिड, वी लुक फॉर अ न्यू वेक्टर दैट इज नियर टू बी एंड दैट इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, राइट. सो इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, वी सॉल्व दिस एंड वी ट्राई टू फाइंड दिस x हैट देन दिस प्रोजेक्टेड वेक्टर, राइट. सो बट इफ, सो इन दिस केस वट, सो दिस B इज ऑलरेडी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, राइट. सो अगर मैं B का प्रोजेक्शन लूँ, ठीक है, सो वट विल बी द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, और प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा. देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से देखो, ये सारे जो क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि हाउ टू प्रोजेक्ट, यहाँ से हाउ टू प्रोजेक्ट अ वेक्टर ऑन टू लाइन्स, राइट. तो हम लोगों ने क्या किया कि वेक्टर B को प्रोजेक्ट किया A1 पे, A2 पे, A3 पे, राइट. सो एक अगर इंडिविजुअली जब हम लोग कंसीडर कर रहे थे दिस लाइन A1, दिस लाइन A2, दिस लाइन A3, राइट. सो वी गॉट टू नो कि इस A पे प्रोजेक्ट करेंगे B को तो दिस विल बी P1, एंड अगर A B को A2 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो आई विल गेट दिस P2, अगर B को A3 पे प्रोजेक्ट करेंगे देन आई विल गेट दिस P3, राइट. नाउ और फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो कंप्लीट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, अगर उसको ऐड करें हम, जो भी मुझे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स मिला यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन,
तो ऐड करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है ना। अब ध्यान से सुनो आप कि अब ये जो मैट्रिक्स ए है राइट, सो अगर मैं इस सारे वेक्टर्स को a1 a2 और जो a3 है मेरा, इन सारे को मैं इन सारे से अगर मैं मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करूँ तो आई विल गेट दिस मैट्रिक्स एंड ऑल दिस वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल एंड ऑल दिस वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। सो दिस मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल एंड स्क्वायर मैट्रिक्स राइट, सो वी कैन ब्रेक दिस इनवर्स राइट। सो वट वी आर गेटिंग इज दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आई ना। अब ध्यान से सुनो आप, देखो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी राइट, सो वट डज इट मीन, सो वी आर टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए राइट एंड ये ए इन्वर्टिबल है, सो दैट मीन्स कि बी इज ऑलरेडी इन द कॉलम स्पेस राइट, बिकॉज इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से हम कहीं पर भी पहुँच सकते हैं इन ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेस। और इस केस में एग्जाम्पल बात करें तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे कहीं भी पहुंचा सकता है, सो आई कैन गेट दिस बी। सो दैट मीन्स कि बी इज ऑलरेडी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस ए राइट। अब जो अगर मैं इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लूँ, सो व्हाट विल बी द दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, और इनका जो प्रोजेक्शन लेने के बाद जो आएगा मुझे, जो भी वेक्टर आएगा, वेयर वेयर दैट प्रोजेक्शन विल लैंड, कहाँ पे लैंड करेगा वो राइट। सो सबसे पहली बात तो देखो, जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इस केस में क्या आ जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो आई टाइम्स बी दैट विल गिव यू दिस अगेन दिस बी, आई टाइम्स बी विल गिव यू द बी राइट। सो अगर आप इसको इस तरह से समझो, मान लेते हैं कि हम, तो इसमें क्या था कि आपका बी ऑलरेडी कॉलम स्पेस में था राइट, सो हाँ वो कॉलम स्पेस थ्री डायमेंशनल, कंप्लीट थ्री डायमेंशनल स्पेस है और उसमें बी वेक्टर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसी, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे उस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लेना है कॉलम स्पेस में, सो प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा, इट्सेल्फ ऑन दैट वेक्टर होगा। अगर उस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे तो आप इस तरह समझो कि मेरे पास एक लाइन है ये राइट, मैंने डायमेंशन कम कर दिया, एक लाइन लो, इस पर आप वेक्टर ए लो राइट। अब मैं पूछूं कि इस ए का प्रोजेक्शन करो आप ऑन दिस लाइन, सो व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए, सो इट विल बी अगेन इटसेल्फ दिस वेक्टर ए राइट। इस केस में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा राइट। सो यहाँ पे दो तीन बातें थी समझने का। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैंने इंडिविजुअल प्रोजेक्शन लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, तो मैंने इंडिविजुअल प्रोजेक्शन लिया इस वेक्टर बी को, मैंने हर एक लाइन पर प्रोजेक्ट किया राइट। अब जब मेरे पास हर एक प्रोजेक्शन आ गया तो ओवरऑल जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स मिल रहा है मेरे पास, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। अब मैं अगर ओवरऑल प्रोजेक्शन की बात करूँ, मतलब कि अगर ये मेरे पास प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है राइट, एंड इफ आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शन दैट इज ऑलरेडी इन द स्पेस जहाँ पे मैं ऑलरेडी प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, वो वेक्टर भी उसी स्पेस में है, तो ऑब्वियसली उसका कुछ भी प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा आपको, उसी वेक्टर पे उसका प्रोजेक्शन है राइट। तो आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस कि ये जो अगर मेरे पास, अगर इसी तरह से अगर एन डायमेंशनल अगर मेरे पास स्पेस है, और अगर उस एन डायमेंशनल स्पेस में अगर मेरे पास ये बी जो है उस एन डायमेंशनल स्पेस कॉलम स्पेस में ही एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि बी जो है इटसेल्फ इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एन डायमेंशनल स्पेस, सो व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन, सो इट विल बी इटसेल्फ बी राइट। सो देखो हम लोग, सो अगर कॉलम स्पेस में ऑलरेडी है या जिस स्पेस में प्रोजेक्शन लेना और उसी स्पेस में वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, सो ऑब्वियसली दैट विल बी द सेम वेक्टर राइट। सो आई थिंक इट इज़ मेकिंग सेंस नाउ, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट यू हैव टू डू, प्रोजेक्ट ए वन ऑन टू ए टू, मतलब ये वेक्टर है ए वन राइट, और आपको इसको कोई भी वैक्टर ए टू है इस पर प्रोजेक्ट करना है राइट, सो यू विल गेट मे बी सम पी वन राइट। अब क्या करना है, देन प्रोजेक्ट द रिजल्ट बैक ऑन टू ए वन। अब जो आपको ये मिला है, देन यू हैव टू प्रोजेक्ट दिस पी वन ऑन टू बैक टू दिस ए वन, मे बी यू विल गेट दिस सम प्रोजेक्टेड वैक्टर पी टू राइट। सो कोई ना कोई प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होगा दैट विल बी प्रोजेक्टिंग दिस ए वन ऑन टू ए टू
and again back on to a1, right? So let's first find out what will be those projected vector and what will be those projection matrix p1 and p2, right? So agar main a1 ko, let's suppose karo ki aap a1 ye le lo, right? And maybe we can take this as a2. So what we are doing is we are projecting this a1 onto this a2. Let's call this as a small p1, projected vector small p1, right? Now so ye small p1 kya hoga, to uske liye main ek pehle kaun sa matrix ye project kar raha usko find kar leta hu. So let's call that particular projection matrix as p1. So it will be a2 into a2 transpose, kyunki is pe hi project kar rahe hain hum, right? Divided by a2 plus A2 into A2 transpose A2, right? So this will be the your projection matrix, right? Uske baad se jaise hi projection matrix find ho jayega, then we can apply this projection matrix onto this A1, then we will have this small P1 vector, right? So ab dekho A2, A2 transpose, so A2 kitna hai aapka, 1 2, so 1 2 times this row vector, that is 1 2, so you will get 1 2 2 4, राइट? और आपको फिर a2 ट्रांसपोज a2 कितना हो जाएगा, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यू विल गेट 5, राइट? सो ओवरऑल आपके पास ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स p1 जो आएगा वो कितना आएगा, 1/5, 1 2 2 4, राइट? नाउ यू कैन अप्लाई दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टू दिस वेक्टर a1 एंड दैट विल प्रोजेक्ट दिस और दैट विल ट्रांसफॉर्म दिस a1 वेक्टर टू दिस p1 वेक्टर. So what will be this p1? So the projected vector onto a2 will be this p1 projection matrix times b. So let me write as this vector b. So 1/5, 1 2 2 4, and b is a1 yahan hoga na, a1 ko project karna hai na, to a1. A1 कितना है आपका, 1 0, राइट? सो वी विल हैव हियर 1/5, 1 2, राइट? हाँ, अब क्या करना है, अब जो मुझे ये P1 आया, नाउ आई हैव टू प्रोजेक्ट दिस P1, इस रिजल्ट को प्रोजेक्ट करना है ऑन टू दिस A1, राइट? सो इस P1 को हम लोग A1 पे कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सो दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ P1 ऑन टू A1, राइट? सो दिस वेक्टर यू विल गेट, सो लेट्स कॉल दिस वेक्टर, मे बी दिस वेक्टर एज अ स्मॉल P2, राइट? सो कोई एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होगा दैट विल बी अप्लाइंग ऑन दिस P1 और उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा होगा इस स्मॉल P2 पे, दैट इज ऑन दिस A1, राइट? सो सबसे पहले मुझे वो P2 फाइंड करना होगा. सो द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P2 दैट विल बी, किस पे हमको प्रोजेक्ट करना है, A1 प्रोजेक्ट करना, राइट? सो दैट विल बी A1 इंटू A1 ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई A1 ट्रांसपोज A1, एंड this will give you, so A1 into A transpose, A1 transpose, so A1 is 1 0 1 0, so you will get 1 0 0 0, और आपका A1 transpose A1 क्या हो जाएगा, that will be 1 square plus 0 square, that is 1, right? So overall आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ये P2 जो matrix मिलेगा, that will be 1 0 0 1 0, राइट? और फिर ये P2 कितना हो जाएगा आपका, दैट स्मॉल वेक्टर P2 दैट इज ऑन टू A1, दैट विल बी P2 प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टाइम्स, किसको प्रोजेक्ट करना है, P1 को प्रोजेक्ट करना, राइट? इसको प्रोजेक्ट कर रहा है क्योंकि रिजल्ट को बोल रहा है प्रोजेक्ट करने के लिए, रिजल्ट बैक ऑन टू A1, राइट? सो P2 कितना है आपका, P2 मैट्रिक्स इज
1 0 0 0, राइट। और स्मॉल पी वन वैक्टर कितना है, दैट इज 1/5 टाइम्स 1 2, राइट। एंड दिस विल गिव यू 1/5 टाइम्स 1 0, राइट। तो अब जो है, ये तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कर दिया, ड्रॉ दिस प्रोजेक्शन एंड मल्टीप्लाई द प्रोजेक्शन मैट्रिसेस P1 P2। सो P1 मैट्रिक्स कौन सा है आपका, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। सो दिस वन इज योर फर्स्ट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P1, और दिस इज योर सेकेंड प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P2, राइट। सो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे एक रिजल्ट हम चेक करना चाहते हैं, वो आपको मैं अभी मल्टीप्लाई करने के बाद बताऊँगा। सो P1 कितना है, 1/5 टाइम्स 1 2 2 4। P2 कितना है, 1 0 0 1। सो व्हाट आई वांट टू डू इज, आई वांट टू कीप दिस कॉलम फर्स्ट, राइट। सो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है ना, कि दो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। व्हाट यू हैव डन, यू हैव मल्टीप्लाइड दीज टू प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। सो ये जो मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो दो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का, विल यू कैट गेट बैक दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा क्या वो वी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होगा इनका मल्टीप्लीकेशन। सो यू कैन सी दैट दैट इज़ नॉट अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। अगर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होता तो वो सिमेट्रिक होता, सबसे पहली बात तो ये। सो दिस इज नॉट अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, राइट। सो P1 टाइम्स P2, P1 P2 इज नॉट अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द प्रैक्टिस। सो आई विल बी सॉल्विंग दिस पार्ट ए एंड पार्ट बी फॉर यू, राइट। सो सिंपल है, आपको क्या करना है, इस बी को प्रोजेक्ट करना है ऑन टू द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, राइट। सो सबसे पहली बात तो आपको ये एक्स फाइंड करना पड़ेगा, राइट। एंड वंस यू हैव दिस एक्स, देन दैट यू हैव दिस प्रोजेक्टेड वेक्टर पी। इसको सोचेंगे कैसे, राइट। सो देखो, कुछ याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको इसमें, कोई भी फॉर्मूला सिंपल रखना चीज़ों को। सो कॉलम स्पेस ऑफ ए में प्रोजेक्ट करना है, राइट। सो और देखो, अगर सबसे पहली बात तो आप किसी भी वेक्टर को प्रोजेक्ट करोगे, किसी भी कोई वेक्टर बी होगा, सो दैट वन पार्ट विल बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैटर ए एंड अदर पार्ट विल बी परपेंडिकुलर टू इट, दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ एरर वेक्टर, राइट। एंड दिस इज योर बी, राइट। सो ये दोनों क्या होंगे, दैट विल बी ऑर्थोगोनल, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। सो यूजिंग दिस हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि आपका जो वेक्टर होगा दैट इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, राइट, और जो वेक्टर ई होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, राइट। सो और अगर उनका हम डॉट प्रोडक्ट ले तो दैट विल बी जीरो। सेम चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि ए ट्रांसपोज ई विल बी जीरो, राइट। सो एक्चुअली इसको ये नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ए ट्रांसपोज डॉट ई विल बी जीरो, राइट। सो यहाँ से फिर आप किस तरह से लिख सकते हो, ई वेक्टर क्या है, दैट इज़ द एरर वेक्टर एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड द स्मॉल पी, राइट। सो देखो, ये वेक्टर बी है, व्हाट यू आर डूइंग इज प्रोजेक्टिंग दिस, सो दिस इज वेक्टर स्मॉल पी एंड दिस इज योर ई। सो बी इज, सॉरी, दिस वेक्टर ई इज बी माइनस पी, राइट। ये एरर वेक्टर क्या बताता है, कि हाउ फार दिस बी इज और हाउ फार दिस पी इज फ्रॉम द एक्चुअल बी, राइट। सो दिस डिफरेंस, सो वी कैन राइट दिस एज अ बी माइनस पी, और पी इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। सो इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए,
राइट। सो पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स हैट, राइट। सो दैट विल बी जीरो। सो ओवरऑल आपको यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी ए ट्रांसपोज ए एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी, राइट। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन दैट वी कॉल इट एज अ नॉर्मल इक्वेशन। अब देखो, अगर मेरे पास जब एक्स हैट होगा देन ये जैसे ही एक्स हैट मालूम चल जाएगा तो पी क्या है, जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो पी विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, सो वी कैन फाइंड दिस पी प्रोजेक्टेड वेक्टर। अब देखो इस इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है। अब देखो यहाँ से हम लोगों ने इस तरह से फाइंड किया था कि एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज बी, राइट। तो इससे भी आप फाइंड कर सकते हो, बट उससे भी अच्छा तरीका है कि आप इसको एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम ट्रीट करो, मतलब इसको एज अ बी मान लो, ये मैट्रिक्स बी है, ये एक्स हैट है और ये कोई सी है, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, राइट। सो दैट वुड बी ईजी टू सॉल्व, यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स एंड ऑल दिस थिंग, राइट। सो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ एक्स हैट निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये फाइंड करने का ये मल्टीप्लीकेशन ए ट्रांसपोज ए, सो दैट विल बी अगेन ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज क्या हो गया आपका, सो दैट विल बी 1 0 0 एंड 1 1 0, और फिर आपका ए कितना हो गया 1 0 0 एंड 1 1 0, सो दैट विल गिव यू फर्स्ट रो विल बी एज इट इज, सो 1, और जब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको सो दैट विल बी अगेन 1, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 एंड दिस विल बी 2, राइट। तो दिस इज व्हाट यू गेट, ए ट्रांसपोज ए, राइट। अब देखो ये आपका मैट्रिक्स बी हो गया, इसको आप मैट्रिक्स बी बोल दो, तो आपको सॉल्व क्या करना है, बी एक्स हैट इज इक्वल्स टू इसको ही फाइंड कर लो ए ट्रांसपोज बी को, सो व्हाट विल बी द दिस ए ट्रांसपोज बी, सो ए ट्रांसपोज आपका है 1 0 0 एंड 1 1 0, बी कितना है आपको कौन सा 2 3 4, राइट। सो व्हाट यू विल गेट इज 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो आपको बेसिकली सॉल्व क्या करना है, दिस मैट्रिक्स टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 5, और हमें पता है कि ये बी एक्स इज इक्वल्स टू सी को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। वी नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिस्टम। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली ऑर्ग्यूमेंट कर सकते हैं 1 1 1 2 को, और ऑर्ग्यूमेंट कर देंगे 2 5 को इधर, राइट। एंड एलिमिनेशन क्या लगाएंगे, इसको पिवट लेंगे और अप्लाई क्या करेंगे, R2 - R1 दैट विल गो टू R1, सो 1 1 0, 2 - 1 is 1 एंड 2 5 - 2 is 3। सो यहाँ से आपको क्या मालूम चल जाएगा, X2 hat, बैक सब्सटीट्यूशन करो यहाँ से आप, सो X2 hat विल बी 3, X1 hat विल बी सो 3, 2 - 3 is - 1, सो ओवरऑल आपको एक्स हैट कितना आ जाएगा 3 - 1 3, सो दैट विल बी -1 and 3, राइट। सो अब आपको एक्स मालूम चल गया, नाउ यू कैन फाइंड दिस प्रोजेक्टेड वेक्टर पी, राइट। क्योंकि पी जो होगा दैट विल बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, सो दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं प्रोजेक्टेड वेक्टर पी को ए टाइम्स एक्स डैश, सो ए कितना है आपका, ए इज 1 0 0 एंड 1 1 0 टाइम्स -1 3, सो दिस ये प्रोजेक्टेड वेक्टर कितना हो जाएगा 2 3 एंड 0, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट। सो सिमिलरली, और फिर आपको जब अगर ई फाइंड करना है तो ई मुझे पता है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस बी एंड पी, सो बी भी पता चल गया मुझे, तो 2 3 4 माइनस पी, पी कितना है आपका 2 3 0, राइट। सो दैट विल गिव यू 0, 3 - 3 0 4, राइट। सो अब देखो ये ई और पी क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, चेक कर लो अगर परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे,
कुछ भी पी ट्रांसपोज ई फाइंड करो, दैट शुड गिव यू जीरो. सो पी ट्रांसपोज ई फाइंड करोगे 2 3 0 टाइम्स 0 0 4, सो दैट इज गोइंग टू बी जीरो, राइट? बिकॉज सो डॉट प्रोडक्ट लो इन दोनों का, यू विल गेट दिस जीरो, राइट? सो सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस बी पार्ट. और ये अगर सब स्पेसेस के टर्म्स में बात करें, सो दिस पार्ट ऑफ, सो बी को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन टू द सम ऑफ दिस ई एंड पी, राइट? एंड दिस ई एंड पी आर ऑर्थोगोनल टू इच अदर इन टर्म्स ऑफ सब स्पेसेस. दिस पी विल बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, एंड दिस ई विल बी इन द लेफ्ट नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट? और यानी तो नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज में ये ई वेक्टर रहेगा उस स्पेस में, राइट? तो सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस पार्ट बी ऑल्सो बाई सिमिलर फैशन, राइट? इस केस में मुझे ये फाइंड करना रहता प्रोजेक्शन मैट्रिक्स. सो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होता है इस केस में? सो यू नो द फॉर्मूला. फार्मूला नहीं भी जानते हो तो आप कैसे लिख सकते हो? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स विल बी ए, सो दैट विल बी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, वो कितना हो जाएगा आपका दिस वन. ये राइट. अगर देखो ये, इसको अगर आपको ये पार्ट, ये सिर्फ ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ये वाला, ठीक है? तो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, राइट? और ए ट्रांसपोज यहाँ ए, राइट? सो दिस विल बी योर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स. सो यू कैन फाइंड दैट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ऑल्सो, राइट? ओके. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. इफ ए इज डबल, सो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आपने क्या किया उसको 2 times कर दिया, राइट? सो जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होगा, सो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होता है? दैट इज ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स, एंड हियर यू विल हैव दिस ए ट्रांसपोज, एंड हियर यू विल हैव दिस मैट्रिक्स ए, राइट? सो अगर मैंने ए को डबल कर दिया, सो आफ्टर डबलिंग द ए आई विल हैव हियर 2A, और ए ट्रांसपोज को, ए को अगर डबल कर रहे हैं तो ए ट्रांसपोज भी डबल होगा, और इन दोनों को ए भी डबल होगा, तो ओवरऑल यहाँ कितना हो जाएगा 4A ट्रांसपोज A का होल इनवर्स, और यहाँ पे ये क्या होगा 2A ट्रांसपोज, राइट? अब देखो, आप अगर कोई मैट्रिक्स A है, राइट, 2 times A है, अगर इसमें क्या कर रहे हो कि आप हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? ए का जितना हर एक एलिमेंट होगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मैं ये 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स ए के साथ, राइट? अगर इसका मैं इन्वर्स लूँ, दैट इज 2A इन्वर्स, दैट मीन्स कि अब ये 2 जो है दैट विल गेट डिवाइड बाई ईच एलिमेंट, राइट? सो ओवरऑल जो मुझे ये था ना, ये मैंने लिखा था, सो ओवरऑल ये जो 4 होगा दैट विल बी 1/4, और दैट विल गेट कैंसिल विद दिस 2 and 2. दैट मीन्स कि 2 मैट्रिक्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, सो प्रोजेक्शन इज गोइंग टू बी द सेम, प्रोजेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, राइट? ये यहाँ पे पकड़ना जरूरी है कि इनका जो इन्वर्स होगा ओवरऑल, देखो अगर मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? सो व्हाट विल बी द इन्वर्स? इन्वर्स क्या होगा कि ये 4 जो है अब मल्टीप्लाई होने की जगह डिवाइड हो जाएगा, सो ओवरऑल इस 1/4 इससे बाहर आएगा, राइट? और ये टू इसके साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, सो ओवरऑल व्हाट यू आर गेटिंग इज बैक दिस मैट्रिक्स पी, राइट? सो मल्टीप्लीकेशन के बाद प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स विल बी एज इट इज सेम. What will be the column space of 2A? तो कॉलम स्पेस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर मैं पूछूं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है दैट हैव, मान लो कि एक ही कॉलम है उसके पास 1 1 1, राइट? अब मैं पूछूं कि what will be the column space of this 2 times A, तो 2 times A, सो दैट विल बी सेम, राइट? यहाँ पे भी इसका कॉलम स्पेस एक लाइन स्पैन करेगा, यहाँ पे भी इसका कॉलम स्पेस एक लाइन स्पैन करेगा, सो कॉलम स्पैन कॉलम स्पेस विल बी ऑल्सो सेम एज द ए,
टू ए और ए का कॉलम स्पेस। चलो इज एक्स हैट इज द सेम फॉर ए एंड टू ए। सो एक्स हैट ओवरऑल आपका क्या था, नॉर्मल इक्वेशन क्या है आपका ए, नॉर्मल इक्वेशन ये वाला है आपका नॉर्मल इक्वेशन राइट। और इसको हम लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है, अगर भूल जाओ तो आप यहाँ से स्टार्ट करो राइट, कि ये जो आपका पी और ई जो होगा, जो स्मॉल पी और ई जो होगा वो परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होगा एक दूसरे का, उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो, सॉरी दिस पी नहीं ये, बट ये मैट्रिक्स ए दैट इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी, कोई भी फैक्टर पिक करो आप ए से राइट, और ई दैट विल बी ऑर्थोगोनल, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ओवरऑल यू विल गेट दिस राइट। सो ए ट्रांसपोज ए एक्स हैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी राइट। सो देखो अगर आप क्या कर रहे हो, ए को डबल कर दे रहे हो, सो यहाँ कितना हो जाएगा फोर टाइम्स ए ट्रांसपोज ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज का टू और ए का टू, दैट विल बी एक्स हैट और ए ट्रांसपोज यहाँ टू क्या टू ट्रांसपोज बी, टू ए ट्रांसपोज बी हो जाएगा। सो ओवरऑल आपका जो ये एक्स होगा, इस एक्स इज सेम फॉर ए एंड टू ए, नहीं सेम नहीं होगा इस केस में, एक्स जो होगा सेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से अगर आप एक्स फाइंड करोगे, एक्स हैट विल बी ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, अगर ए इन्वर्टिबल है तो वी कैन राइट लाइक दिस राइट, और अगर यहाँ से एक्स हैट फाइंड करो सो दैट विल बी टू टाइम्स, यहाँ कट जाएगा, सो दैट विल बी वन बाई टू टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज बी राइट। सो यहाँ पे एक्स क्या हो जा रहा है, हाफ हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको पता रहना चाहिए, तो ये सिंपल है, मतलब सो कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा चेंज होगा नहीं होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ए को टू टाइम्स कर दूँ, ए को थ्री टाइम्स कर दूँ राइट, ए को एन टाइम्स कर दें, सो अब स्टेटमेंट में ये सब क्वेश्चन आएगा कि इफ़ यू हैव गिवन दिस मैट्रिक्स ए देन लेट सपोज कि आपने इसको ए को डबल कर दिया, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, इट विल बी टू टाइम्स, इट विल बी हाफ और इट विल बी सेम, व्हाट विल बी द कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए और टू ए, व्हाट विल हैपन टू द सॉल्यूशन एक्स हैट राइट। सो यू कैन एनालाइज ऑल दिस थिंग राइट। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर एट, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट मैनर में है, तो जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्शन पढ़ा तो होल थिंग कैन बी आस्क्ड इन दिस वन लाइन, कि व्हाट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वैक्टर्स इज क्लोजेस्ट टू दिस बी वैक्टर राइट। सो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, सो ओवरऑल लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहे, तो ऑब्वियसली अगर बी जो है अगर इनके कॉलम स्पेस में होगा देन ऑल्सो वी विल हैव द सॉल्यूशन राइट, अगर बी नहीं भी है कॉलम स्पेस में ऑन दीज वैक्टर्स देन ऑल्सो वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन राइट बाय टेकिंग द प्रोजेक्शन। तो आप किसी भी केस में प्रोजेक्शन लो, अगर बी कॉलम स्पेस में ऑलरेडी है इसके, ठीक है प्रोजेक्शन ले लो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ठीक है, अगर नहीं भी है देन यू विल गेट द क्लोजेस्ट सॉल्यूशन राइट। सो हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर वे में आपको फाइंड क्या करना, आपको क्लोजेस्ट पूछ रहा है ना कि कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज क्लोजेस्ट टू बी, और मैंने लेक्चर इसी चीज़ से स्टार्ट किया था कि वाई वी नीड द प्रोजेक्शन राइट, क्योंकि बी हमेशा कोई जरूरी नहीं होगा कि आपको हमेशा इनके स्पेस में फॉल करेगा राइट, इफ़ दिस बी इज़ नॉट इन द कॉलम स्पेस और वट एवर द स्पेस, अगर उस स्पेस में बी नहीं है देन वट वी कैन डू, वी कैन टेक द प्रोजेक्शन एंड वी कैन फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन एंड दैट विल बी द क्लोजेस्ट सॉल्यूशन दैट विल बी नियर टू बी और दैट विल बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिसेस। सो ओवरऑल आपको फाइंड क्या करना, ओवरऑल आपको क्या करना है, इन वैक्टर्स से आप इनको एज अ कॉलम वैक्टर ट्रीट कर सकते हो राइट, एंड यू हैव दिस बी दैट इज 211 राइट। सो आप क्या करो, सिंपली इनका इस बी का प्रोजेक्शन लो इन टू दिस कॉलम स्पेस, सो अगेन दिस ए ट्रांसपोज ई इज इक्वल्स टू जीरो, सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट द
नॉर्मल इक्वेशन दैट इज ए ट्रांसपोज ई को आप लिख सकते हो बी माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स हैट, दैट यही एक्स हैट आपको फाइंड करना है, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट ए ट्रांसपोज ए एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी, राइट। तो सिमिलर वे में आप इसको एज अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रीट करो एंड यहाँ से आप एक्स हैट फाइंड कर सकते हो, राइट। सो यू कैन डू दैट, सो यू कैन कंसिडर दिस एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। मेन यहाँ पे कंसर्न क्या था कि यू नीड टू मेक रियलाइज दिस कि ये क्वेश्चन जो है, सो मैंने इसको सॉल्व किया, सो यू कैन प्रोसीड लाइक जैसे हम लोग पहले इस सिस्टम को सॉल्व किए थे, राइट। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस एक्स हैट दैट इज 1/2, 3/2, राइट। सो अब अगर मैं इस अगर मुझे ये चेक करना है क्या ये बी जो है दैट इज़ ऑलरेडी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, सो हाउ वी कैन चेक, अगर ऑलरेडी होगा वो कॉलम स्पेस में बी, देन दिस कॉम्बिनेशन दैट इज ए टाइम्स एक्स हैट विल गिव मी दिस बी वैक्टर, राइट। अगर नहीं होगा देन आई विल गेट सम अदर वैक्टर दैट इज पी, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट, सो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 1, 2, -1 ए ले लिया मैंने, एंड नाउ आई वॉन्ट टू चेक कि क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज़ 1/2, 3/2 इज गिविंग मी वट, सो 1/2 + 3/2 दैट विल बी 3, दैट विल गिव यू 1, एंड 2/2 दैट विल बी 1, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं गलत मैं कर रहा हूँ, सो देखो 1/2 टाइम्स दिस फर्स्ट वैक्टर दैट इज 2 - 1 प्लस 3/2 टाइम्स दिस सेकेंड वैक्टर, राइट। ये मुझे b अगर मिल गया तो दैट मीन्स कि b जो है ऑलरेडी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स a है, राइट। सो 1/2 + 3/2 सो 4/2 दैट विल गिव यू 2, एंड 1 + 0 दैट विल गिव यू 1, एंड -1/2 - 1/2 + 3/2 सो दैट विल गिव यू 1, राइट। सो देखो मुझे इस ये लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है, ये बी मिल रहा है ना, राइट। तो बी इज़ ऑलरेडी इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस ए, राइट। अब अगर इसका आप प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है तो फाइंड करो, आप प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज ए इनवर्स टाइम्स ए ट्रांसपोज। सो इस मैट्रिक्स को आप फाइंड करो और फिर इस पी को इस बी पे अप्लाई करो, सो व्हाट यू विल गेट इन दिस केस, बी इज़ ऑलरेडी इन द कॉलम स्पेस, राइट। हम लोग प्रोजेक्शन कहाँ ले रहे हैं, प्रोजेक्शन हम लोग ले रहे हैं कॉलम स्पेस में ही प्रोजेक्शन ले रहे हैं, और बी जो है ऑलरेडी कॉलम स्पेस में ही है, राइट। सो इन दैट केस द प्रोजेक्शन विल बी इटसेल्फ, सो आप अगर नहीं हो रहा तो पी को फाइंड करो, बी को अप्लाई करो, यू विल गेट अगेन दिस बी, राइट। क्योंकि जिस स्पेस में है उसी स्पेस में हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, राइट। सो यू विल जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी इटसेल्फ, राइट। सो यू कैन चेक इट, चेक दिस वन। Now let's look at this question number 9. So we have, if we have this projection matrix, अगर हम projection को projection पे apply करें, projection matrix को projection और p square is equals to p, so that i minus p is equals to i minus p. So basically देखो okay पहले इसको show करते हैं, right? So p क्या है आपका, यहाँ पे p जो है वो projection matrix है, so we can write this identity minus प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट लाइक दिस, राइट। इसको 2 times हम लोग लिख सकते हैं, राइट, एंड वी कैन मल्टीप्लाई, सो आई स्क्वायर विल बी अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आई टाइम्स पी विल बी माइनस ऑफ पी, राइट, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, एंड पी टाइम्स आई विल बी अगेन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ आप मल्टीप्लाई करो सो यू विल गेट बैक द सेम मैट्रिक्स, एंड माइनस हियर प्लस पी स्क्वायर विल बी देयर, राइट, पी टाइम्स पी दैट विल बी पी स्क्वायर, एंड इफ़ यू नो दैट इफ दिस इज अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स सो दैट पी स्क्वायर विल बी पी, राइट। सो अल्टीमेटली वी विल हैव आई माइनस पी, राइट। सो व्हेन पी प्रोजेक्ट्स ऑन टू द कॉलम स्पेस ऑफ ए, I माइनस पी प्रोजेक्ट्स ऑन टू द, सो देखो सबसे पहली बात तो ये I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोजेक्ट्स ऑन टू द कंप्लीट स्पेस, राइट। इफ वी हैव दिस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, इफ
और ये गिवन है कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है, कॉलम स्पेस ऑफ ए, आई कहाँ प्रोजेक्ट करता है, टू द होल स्पेस, टू द होल स्पेस, राइट। सो आई माइनस पी विल बी प्रोजेक्टिंग जो बच गया है, जो बच गया क्या है आपके पास, कहाँ प्रोजेक्ट करेगा, अगर ये कॉलम स्पेस में पी प्रोजेक्ट कर रहा है, सो आई माइनस पी विल बी प्रोजेक्टिंग ऑन द लेफ्ट नल स्पेस, राइट। सो आई माइनस पी प्रोजेक्ट्स ऑन टू द यू कैन से लेफ्ट नल स्पेस, अगर ए कॉलम स्पेस में प्रोजेक्ट कर रहा है तो आई माइनस पी विल प्रोजेक्ट ऑन टू द लेफ्ट नल स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस। और आप बोल सकते हो कि ये जो देखो कोई भी आपके पास बी है, राइट, सो कोई भी वेक्टर बी है, अगर इसमें प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आप अप्लाई करो, देन दिस यू विल गेट अ, लेट सपोज करो कि ये आपका कॉलम स्पेस है, सो दिस इज योर कॉलम स्पेस, सो यू विल गेट दिस स्मॉल पी इन द कॉलम स्पेस, राइट। और जो आपको आपका कौन सा ये ई जो होगा दैट विल बी इन द लेफ्ट नल स्पेस, राइट। और ये जो प्रोजेक्शन होगा ऑन टू द ऑन दिस, राइट, ये वाला प्रोजेक्शन जो होगा इस बी का प्रोजेक्शन, तो आप बी पे आई माइनस पी अप्लाई करो, दैट प्रोजेक्शन विल बी हियर, राइट। और सेम वेक्टर को हम लोग यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, सेम सेम ई इज सेम ई हैज बीन शिफ्टेड हियर, राइट। ओके, आई थिंक दैट वाज फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन मैट्रिसेस, राइट। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक एट दिस लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन, सो ये ऑप्शनल ही समझो एक तरह से, बट हाँ ये मशीन लर्निंग में आपको आएगा ही आएगा इन लीनियर रिग्रेशन, राइट। सो एनी हाउ वी विल गो थ्रू दिस लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन एंड दिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, राइट। सो इसमें दो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे इन नेक्स्ट टू वीडियोज, राइट। आफ्टर दैट वी विल बी जंपिंग इन टू दिस डिटर्मिनेंट, देन दिस आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर, देन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, राइट। सो एक तरह से समझो तो बस बहुत ही कम चैप्टर बचा हुआ है एंड इट विल गेट कवर सून। सो ऑब्वियसली इट टुक लिटिल बिट टाइम बिकॉज आप ऐसा भी तो देखो कि हर एक चैप्टर में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी है एंड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टेकिंग टाइम, राइट। बट एक बार जब आप कंप्लीट कर लो यो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एंड यू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू विल हैव द कॉन्फिडेंस, राइट। और आपका जो कवरेज एरिया है सब्जेक्ट का दैट विल बी लार्ज, राइट, इवन इफ न्यू क्वेश्चन इज कमिंग। सो देखो पी वाई क्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो तो आप एनी हाउ प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, मैं बोलूँ ना बोलूँ वो आप करोगे ही करोगे, और उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप सॉल्व कर दोगे, राइट। अगर आप थोड़े से भी सीरियस स्टूडेंट हो देन यू आर गोइंग टू सॉल्व दोज पी वाई क्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट। कुछ क्वेश्चन न्यू टाइप के रहेंगे, सो दैट आई कैन गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चन आफ्टर कवरिंग दीज लेक्चर्स, एंड यू विल इवन एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, राइट। So we will be talking when we will end up this linear algebra, then I will talk all these things कि आप क्या क्या cover कर सकते हो after covering all these lectures, right? Okay, that is all in this video. We will start with new chapter, that is least square approximation in next video.